समी बड़ा हुआ है, अब वो एक शहर में है और वो उसकी लाइफ अकेले ही जी रहा है। सोशल मीडिया इंटरनेट के ज़रिए वो लोगों से गेम जॉब का लालच दिखाकर उनसे पैसे लेता रहता है। जिस तरह गेम की वजह से समी के माँ के अकाउंट से पैसे कटे थे, अब वही काम समी करता रहता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और भाई क्या हाल है? कुछ नहीं भाई, भाई मैं तेरे को कब से बोल रहा हूँ कि तू एक यहाँ पे ही है। वैसे तो बताना भाई तेरे फैमिली के बारे में। छोड़ ना भाई, लंबी कहानी है, किसी और दिन फुर्सत में बताऊंगा। और आज का दिन कैसा रहा? क्या किया दिन भर? सुबह से दिखा नहीं। क्या अपना वही लोगों की जेब काटना, तो किसी दिन पिटेगा साले। क्या करे यार, अपना रोज का धंधा है, कभी मार पड़ती है कभी नहीं पड़ती, चलता ही रहता है। चल छोड़, डिनर भी करना है, निकलते हैं। ठीक है चलो भाई चलते हैं। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए, आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? जॉब के लिए मैंने गूगल पर आपकी एड देखी है। हाँ जी मैम। तो मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है। ठीक है मैम, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? सर मैंने आईटी किया है। मैं कब से तेरे को बात कर रहा हूं। मैम आपको जॉब 100% लग जाएगी, बट ना उसके लिए आपको 20,000 पे करने होंगे। सर 20,000 बहुत होते हैं, कुछ कम नहीं होगा? देखिए मैम, हम सबसे 30,000 लेते हैं, बट आपके लिए 20,000 है। जी सर, मैं मेरे पापा से बात करके आपको कल कॉल करती हूं। ठीक है मैम, चलेगा। फिलहाल मैं आपको मेरे डॉक्यूमेंट सेंड करती हूं। ओके मैम। आज प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं मिला। क्यों, क्या हुआ? आज क्या पूरा जेब खाली है। ऐसी चिंदी चाले कब तक करता रहेगा? अभी छोड़ ये सब, कुछ तो अच्छा कर ले। लाइफ में नौकरी नहीं तो फिर छोकरी भी नहीं है। हाँ तो तू पैसे नहीं कमाएगा तो तुझको लड़की कौन देगा? पहले पैसे तो कमाना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है ना, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे नौकरी कौन देगा भी? हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सिखाता हूँ ना। कुछ नहीं करना, बस अच्छे से कपड़े पहनना है, मैं आगे का पूरा बता देता हूँ। एक मिनट, मेरा वहाँ पे लैपटॉप है, ले ले लैपटॉप। बस देखते जा क्या करता हूँ मैं अभी। हेलो नमस्ते सर। हेलो नमस्ते सर, एक नया गेम लॉन्च हुआ है, क्या आप उसके लिए मेंबरशिप लेना चाहोगे? हाँ लेना है सर, बताओ क्या करना पड़ेगा। हाँ तो आपके इस नंबर पे एक लिंक भेजा हूँ, तो उस लिंक को ओपन कीजिए और वहाँ पे एक OTP आएगा, अपना OTP इंसर्ट कीजिए। हाँ सर आप देखिए आ गई क्या OTP? अभी तो नहीं आया है। हाँ हाँ सर आप देखिए आ गई क्या OTP? सर एक तो नहीं है ना। नहीं सर वैसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ सर आप चेक कीजिए आ गई क्या OTP? OTP आ गई है, इंसर्ट कर दूँ क्या अभी? हाँ अभी वहाँ पे इंसर्ट कीजिए। हाँ सर OTP इंसर्ट कर दिया। हाँ सर हो गया। ठीक है। हाँ सर आपका ID और पासवर्ड आपको शाम तक मिल जाएगा। थैंक यू। बैठे बैठे 20,000 का ट्रांजेक्शन हो गया, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। कैसे दिया यार? कुछ नहीं समझेगा तुझे? नहीं तेरा कुछ नहीं हो सकता।
हाय भाई, ये लेना। ये नहीं चलता। क्यों, ये नहीं चाहिए? बियर चाहिए। वो चाहिए? वो तो यहाँ पे नहीं मिलता है। ये पेन ना, उससे अच्छा, उससे क्या होता है? नहीं पीता। ठीक है, जान दे, बस एक मिनट, अभी कुछ बात मत करा। हेलो। हेलो सो। हाँ मैम बोलिए। मैंने कल कॉल किया था जॉब के बारे में। अच्छा, हो गया पेमेंट का एडजस्टमेंट? हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो मैम आपको बैंक डिटेल सेंड कर देता हूँ, आप पेमेंट कीजिए, बस एक मिनट। हाँ मैम, अभी चेक कीजिए। मैं अभी आपको पेमेंट करती हूँ। हाँ, पेमेंट के बाद एक घंटे में आपको आपका अगला अपडेट मिल जाएगा। हाँ सर, हो गया। जी ओके मैम, थैंक यू मैम। भाई तू इतना गलत काम करता, लेकिन तू शराब भी नहीं पीता। देख भाई, भले ही मेरा काम गलत होगा, लेकिन मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाता। भाई ये देख, पेमेंट आ गया। यस, अब एक मिनट रुक जा। मैम आपके जॉब का तो पता नहीं, हमको हमारा पैसा मिल गया, आप यहाँ से सीधा जाएंगे ब्लॉक लिस्ट में। बता और। बस ठीक है। ठीक है, ऑर्डर किया हूँ, खाते हैं यहाँ से और फिर निकल जाते हैं। हाँ। और जो तेरे इसका बंदोबस्त है ना, बाहर करते हैं, वही पे बोलते हैं। ओके। आज का काम पूरा हो गया भाई, मेरे को भी सिखाना थोड़ा। क्या मजाक कर रहा है बे, तेरी बस की बात है क्या? तेरे से नहीं होगा। होएगा। नहीं होगा? होगा। अभी पहले तू मेरे को देख ले मैं कैसे करता हूँ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे सिखाऊंगा तुझको गड़बड़ी ही क्या है। हाँ, ठीक है। कब से लेकर आ रहा है, निकलना है हमको भी। पैक अपने अड्डे पे ले जाना मेरे भाई, मैं आ रहा हूँ। आ गया वक्त उसको अब साइड में रखने का। लेना भाई, ये नहीं चलता भाई, तू खा ले ना। क्या खाएगा फिर? अब तू खा ले, मैं मेरे नीचे जाके थोड़ा लेके आता हूँ, और फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है, तेरी मर्जी। ओके चलो। लग गया यार, क्या ये भी यार। हाँ बेटा, देख तू कुछ को किसी को भी पैसे आए क्या नहीं। सुन तो बेटा। हाँ आया, एक मिनट। हाँ हाँ माँ जी। मेरे बेटे ने पैसे भेज दे आई क्या नहीं, देख। बेटे ने भेजा है क्या? कभी भेजा है? एक मिनट। हाँ कहाँ गए थे? खेत को गए थे, अभी आ रही हूँ। घर पे कौन कौन है? मैं, मेरे शोर रहते। बेटा कहाँ रहता है? शहर में रहता है। पैसे तो इनके अकाउंट पे आए हैं, अगर मैं पैसे अकाउंट पे से निकाल लूँ तो इनको थोड़ी पता चलेगा, और जब तक इनको पता चलेगा तब तक तो मैं यहाँ से चला गया हूँ। आपको नहीं समझता क्या फोन का? नहीं समझता बेटा। ये लीजिए। आधार कार्ड है क्या? है ना बेटा। बताओ।
ये ले बैठा। आपका अंगूठा बताओ, वो वाला। ये लीजिए और एक बार लगाइए। नहीं, आपके बेटे ने तो अभी पैसे नहीं भेजा। आपको कभी बोला था कि भेजा है? अभी थोड़ी देर हुआ। अभी तो नहीं भेजा, आप थोड़ी देर से कॉल करके पूछ लीजिए, आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ। वो तेरी क्या भेज देते हैं आजकल। खला, दो पान खाने। तू कब से खाने सीखा है? अभी क्या हो गया, शादी हो गई, आप क्या नहीं, कभी कभी तो खाते हैं। रोज खाते जा, मैं कहा न कबूली खा। कताले वो तेरी, ये क्या भी भेज देते हैं आजकल मोबाइल पे। ये गया गया गया, ये गया। वैसे खला बताओ ना, क्या परेशानी है? क्या बोलू बेटा, नहीं बोलो से ठीक है। मुझे बताओ ना, मालूम तो होना चाहिए ना। क्या करना बताओ। खलू की तबीयत कैसी है, ऑपरेशन का कैसा हुआ? करना है, पैसे नहीं भेजा बेटी ने। क्या बात कर रही हो, बताओ, मोबाइल बताओ। क्या देखेगा, खाली पड़ा। 2 बजे पैसे भेजा आपके लड़के ने, और अभी निकले ना आपने पैसे। आपने नहीं निकाले? अच्छा देखो खाला, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब पैसे आए। हाँ, और अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, यानी पैसे गए, मतलब खाला पैसे आए भी और गए भी। रास्ते में एक लड़का मिला था, मैंने उसे मोबाइल बताया, उसने आधार कार्ड मांगा। उसने क्या किया? मैंने अंगूठा लगाया। कैसे, अपने आधार कार्ड दिया क्या? ओ थारी, आपने क्या किया खलाए, ऐसे किसी को भी आधार कार्ड अंगूठा नहीं देना चाहिए। अल्लाह, गए आपके पैसे। ठीक है, अभी जाने दो, चलो लग चलते हैं। चलो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। बैठो। भैया एक चाय दो।
अरे मेरा मोबाइल ले उसने, पकड़ पकड़ पकड़। साले मेरा मोबाइल लेता है, मार कर कितने मेरा मोबाइल दे पहले। और भाई, अरे क्या हुआ यार? बहुत पीटा मेरे को यार। यार जाने दे, ये सब ना हमें चिन्नी चाले करने की अब जरूरत नहीं है। तू हमेशा बोलता है ना, तू कभी अपने घर वाले के बारे में बात क्यों नहीं करता? ये देख, मैंने ना मेरा पुराना नंबर चेंज किया था, बट मेल वही था। वो मेरे मेल पे ना, मतलब क्या हुआ था, 15 साल पहले मेरे माँ ने मेरे नाम से पॉलिसी ली थी, तो अभी मुझे मेल आया कि हम वो पैसे अभी निकाल सकते हैं। हाँ। तो आज से हमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख इतनी अमाउंट मिलेगी। अरे हाँ? कल मैं जाता हूँ और जाने के बाद पैसे निकाल कर लेकर आता हूँ, और हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चल जा अभी घर। चल बाय। ओके बाय। सर 15 साल पहले पॉलिसी लिए वाली है, तो थोड़ा चेक कीजिए ना। पॉलिसी नंबर है क्या? हाँ सर, दिखाता हूँ सर। आपके माँ के नाम पे? हाँ। तो माँ किधर है? डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसके लिए? डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन माँ को लेके आना पड़ेगा। सर कुछ ले दे के नहीं हो सकता क्या? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। देखो ना सर, हुआ तो माँ नहीं है। देखे क्या आने सकते? सर देखो ना, उतना हुआ तो बगैर माँ के होता है तो करके लो ना उतना। हिस्ट्री में जो है वही होगा। ठीक है सर, आप डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं सिग्नेचर लेकर आता हूँ। ये सब डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर लेके आओ, और माँ को भी साथ लेके आना पड़ेगा। ठीक है सर। ओके ठीक है सर। समी जब घर आता है तो घर पर कोई नहीं रहता, उसे घर पर ताला दिखता है। समी का एक दोस्त समी को माँ और बबलू के बारे में बताता है कि अब माँ और बबलू उसके फार्म हाउस पर रहते हैं। समी पूछते पूछते फार्म हाउस पहुंचता है। बबलिया समय
तू कहाँ था इतने साल? क्या हुआ है माँ को? तू खुद ही देख ले। मम्मा, भाई क्या हुआ है माँ को? जब से तू गया है यही हाल है माँ का। भाई क्या हुआ है माँ को? जब से तू गया है यही हाल है माँ का। इसी उम्मीद पर बैठी है कि तू कब आएगा। ये ऐसी क्यों है? बात क्यों नहीं कर रही? तेरे घर से जाने के बाद माँ को गहरा सदमा लगा। वो तेरे जाने के टेंशन में अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया लेकिन माँ ठीक नहीं हुई। तेरे पापा को भी खबर दी थी कि तू घर छोड़कर चला गया है। उन्हें भी इस बात का सदमा लगा और वो भी आए नहीं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उनका फोन भी बंद था और उनकी कोई खबर भी नहीं थी। ये क्या हाल बना लिया है आपने? उठ जाओ ना, देखो मम्मा आपका समय आ गया है। मम्मा, भाई ये बोलती क्यों नहीं है? जब से तू गया है यही हाल है माँ का। मम्मा उठ जाओ ना। मम्मा, 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 मैं हूँ मम्मा आपका समी। माँ पहचान क्यों नहीं रहे हो? मम्मा मैं हूँ आपका समी। आ गया मम्मा मैं आपके पास। माँ पहचान क्यों नहीं रहे हो? माँ उठ जाओ ना। माँ, मैं हूँ माँ। तू आ गया? हाँ मैं आ गया। भाई माँ ठीक हो गई? भाई माँ ठीक हो गई? बहुत देर कर दी तूने। भाई ऐसे क्यों बोल रहा है? माँ ने तो पहचान लिया है मुझे। ठीक हो गई, अब अच्छे से बात भी कर रही है। बहुत देर कर दी तूने, बहुत देर कर दी। भाई ऐसे क्यों बोल रहा है पागल की तरह? माँ ठीक हो गई ना तुम? अब मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। माँ बहुत तकलीफ दिया हूँ मैं तुमको, अब इसके बाद कभी तकलीफ नहीं दूंगा ना कभी छोड़ के जाऊंगा। आपका हमेशा ख्याल रखूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, दोबारा कभी नहीं करूंगा। माँ बस एक बार मुझे समी करके पुकारो ना, बस मेरे सर पे हाथ रख दो। माँ माँ रखो ना हाथ सर पे। क्या हुआ? ना हाथ सर पे। माँ, माँ भाई देख ना माँ को क्या हुआ। बहुत देर कर दी समी तूने अभी। माँ, माँ पकड़ो ना हाथ। माँ माँ हाथ क्यों छोड़ दिया? माँ ऐसे मेरे से मुंह मत फेरो। माँ मैंने बहुत गलत किया माँ, मुझे पता है। माँ मत छोड़ माँ मेरा हाथ ऐसा, मुझे किस सहारे छोड़ के जा रहे हो माँ? माँ उठ जाओ ना, ये क्या हो गया? भाई बोलना माँ को, मुझे छोड़कर मत जाने को। एक बार बोल दे भाई बस उसको। माँ को, माँ माँ उठ जाना, माँ उठ। माँ बहुत बुरा हूँ, मैंने तुमको बहुत तकलीफ दी है माँ, बस एक बार माफ कर दो माँ। नहीं जाऊंगा कभी छोड़ कर माँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया माँ। मुझे समझ नहीं थी माँ उस टाइम पे, मैं छोड़ कर चला गया तुम। माँ 15 साल तुमसे दूर रहा हूँ माँ, बस मुझसे और दूर नहीं रहना माँ, प्लीज उठ जाओ ना माँ। माँ बस माफ कर दो, एक बार बेटा बोल के गला लगा लो माँ प्लीज। माँ मेरी तुमने हर ख्वाहिश पूरी की है माँ, बस इतनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो माँ प्लीज। माँ उठ जाओ।
ना मुझे तुम जैसा बोलोगे वैसा करूंगा, जो बोलोगे वो करूंगा, तुम जैसा बोल रहे हो बोलोगे वैसा रहूंगा मैं, बस एक बार व्हाट्सएप। उठ जाओ ना माँ, प्लीज उठ जाओ। नहीं माँ, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। 15 साल आपसे दूर रहकर गुजारा माँ, अब आप तो मुझसे दूर मत करो माँ, प्लीज माँ। इस बोझ के सहारे मैं कैसे जीऊँगा, बहुत तकलीफ दी है माँ मैंने तुमको, जो भी तकलीफ दी है मुझे उसका बहुत अफसोस है माँ, प्लीज माँ लौट कर आ जाओ प्लीज प्लीज। मुझे आपकी खिदमत करना है माँ, मुझे बस एक मौका दे दो माँ प्लीज। जब मेरे पास वक्त था तो मैं नादानी में गुजारा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, प्लीज माफ कर दो, उठ जाओ ना माँ प्लीज। मैंने आज तक माँ आपको सिर्फ तकलीफ दी है और कुछ भी नहीं दिया, मुझे आपके लिए बहुत कुछ करना है माँ, प्लीज उठ जाओ ना माँ, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो माँ, प्लीज उठ जाओ। बचपन से माँ मेरी सारी गलतियों को आपने माफ किया है, बस ये आखिरी गलती माफ कर दो, वादा करता हूँ माँ आज के बाद आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, बट आप ही मुझे छोड़कर मत जाऊँ प्लीज। माँ मुझे आपने तो माफी भी मांगने का मौका नहीं दिया, मेरे सर से आपका साया मत उठने दो माँ। आपने मेरा 15 साल इंतजार किया है माँ, और आज जब मैं लौट कर आया हूँ तो आप क्यों मुझसे दूर जा रहे हो माँ, 15 साल गफलत में गुजारा हूँ माँ, मुझे समझ नहीं थी मैं खुद की खुशी के लिए आपको तकलीफ में छोड़कर चला गया था, बहुत खुद गर्व बना था माँ। पता नहीं माँ आपने 15 साल कैसे बिताए होंगे, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, आपका मेरे सिवा था ही कौन, फिर भी मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर चला गया तकलीफ में परेशान होने के लिए, माफ कर दो माँ मुझे। बचपन में मेरी हर जरूरत को पूरा किया है माँ आपने, अब जब मेरा फर्ज है कि आपको हर खुशी दूर आपकी तकलीफ दूर करूँ, क्यों आप मुझे छोड़कर चले जा रहे हो उठ जाओ माँ, 15 साल के बाद लौट कर तो आया था, आज आप अगर मेरा साथ छोड़कर चले गए तो पूरी जिंदगी में इसका अफसोस करता रहूंगा, फिर भी आप लौट कर नहीं आ सकते, उठ जाओ ना माँ प्लीज। भाई देखना माँ को क्या हुआ, बोलना यार एक बार बेटा बोलकर गले लगाने को प्लीज। ये ले, फोटो मांगा था ना, और ये इंश्योरेंस वाले ने चेक देकर गया है, हुआ ना सब, क्या मिला तुझे ये सब करके। मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे उस वक्त कुछ नहीं समझा, मुझे सब कुछ ठीक करना है। क्या ठीक करेगा, आप कुछ भी करेगा तो माँ लौट कर नहीं आएगी। इसी सोच में हूँ कि मैं क्या करूँ। अब माँ तो गई, जा जी ले तो अपनी जिंदगी, तुझे जैसे जीना है वैसे। माँ की अहमियत क्या होती है आप समझ आएगी तुझे। तुझे अकेले जीना था ना, जा जी ले अकेले अपनी जिंदगी। बबलू एक मिनट। इस चेक का मैं क्या करूं? इस चेक से मुझे माँ तो नहीं मिलने वाली, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये किसी यतीम खाने में दे दे। Thank you.
हाँ मैम, मैंने जो आपसे जॉब के नाम पे आपके पैसे लिए था ना, वो आपको रिटर्न कर रहा हूँ। थोड़ी देर में आपके अकाउंट पे आ जाएंगे। हाँ, और हो सके तो माफ कीजिएगा। I'm sorry. मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे सही गलत की समझ नहीं थी, क्योंकि सही गलत समझने वाली माँ ही मेरे पास नहीं थी। हो सके तो माफ कीजिएगा। चुप हो जा बेटा, मैंने तुझे माफ किया है। हाँ, माफ किया। माँ के गुजर जाने के बाद समी अपने सब बुरे काम छोड़ता है। वो अपनी लाइफ पूरी चेंज करता है। वो अपना सब कुछ कुर्बान करके कहीं दूर जंगलों में भटकते रहता है। उसे हर बार माँ की याद आती है।
बहुत याद आती है माँ तुम्हारी, बहुत तकलीफ दिया मैंने तुमको। पंद्रह साल तुमसे दूर रहा था, मैं चाहे तुम्हारे लिए जो भी करूँ माँ, तुम लौट के तो नहीं आ सकती। जब जब भी तकलीफ होती है माँ तुम्हारी याद आती है। मैं दूंगा माँ को भी तुमको इतनी तकलीफ, प्लीज लौट के आओ। कोई नहीं माँ मेरा तुम्हारे बिना, प्लीज लौट के आ। कौन है वहाँ? खाना तैयार है, खाना खा ले। Thank you.
खा लेना चल खाना जरूरी। कौन है भाई? तू खुद को भूल गया क्या? खुद को नहीं पहचान रहा जो मुझको पूछ रहा है मैं कौन हूँ? हाँ मैं तू ही हूँ, जो तुझे समझ रहा है ना वही हूँ मैं। क्या हाल कर लिया यार तूने? माँ थी जब तेरे साथ में, तू कैसा था, अब कैसा हुआ है? जिस तरह से बचपन में तुझे तेरी माँ ने पाला था, उसी तरह तेरा फर्ज था कि बुढ़ापे में तू उनका सहारा बनता, उनको अच्छे से देखभाल करता। लेकिन तूने क्या किया माँ बाप के साथ में? जब उनको जरूरत थी तू उनको छोड़कर चला गया, ऐसा चला गया कि पलट कर देखा भी नहीं कि जिंदा है या मर गई। 15 साल तू माँ के साथ नहीं था और अब इस दर बदर की ठोकर खा रहा है, ऐसे घूम रहा है, क्या मिल रहा है तुझे सब करके? तू आप कितना भी पछतावा कर ले, तुझे तेरे माँ बाप तो कभी दोबारा नहीं मिलने वाले। इंसान चाहे जिंदगी में जितना भी आगे बढ़ ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जब उसको जरूरत पड़ती है ना तो माँ बाप की याद आती है, क्योंकि जितना माँ बाप करते ना और कोई नहीं कर सकता बच्चों के लिए। आपने
तो तू खुद देख ना, तो तेरे लिए माँ बाप ने क्या किया था, तू उनके लिए क्या कर रहा था और तूने उनके साथ क्या किया है, पलट कर देखना तब तो दूर। तूने एक कभी फोन करके पूछा ना माँ कैसे पूछ जाने की कोशिश की, कभी कुछ क्वेश्चन नहीं किया उनके लिए। याद रख, एक बार लौट कर जाने के बाद ना बस यादें लौट कर आती हैं, जाने वाले लौट कर कभी नहीं आते। याद रख, ये बात जिंदगी भर तू पछताता रहेगा, तू चाहे जो भी कर ले तुझे तेरे माँ बाप तो कभी नहीं मिलने वाले। तू ऐसे ही पछताते रहे, दर बदर भी ठोकर खाते रहे, जो करना है तू करते रहे, लेकिन जब तक माँ बाप से तूने कुछ नहीं किया अब तेरा कुछ भी नहीं होने वाला, नहीं मिल सकते तुझे कुछ। माँ खाना खाना खाओ खाना, मैं खाया ना, नहीं नहीं खाओ तुम, नहीं मुझे वो नहीं खाना, बस ना पसंद नहीं, नहीं 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 खाना, नहीं। अच्छा पैर दबाओ, मच्छर मच्छर। अभी मुझे नींद आ रही, सोएंगे अभी, बस बस यहाँ पे आप आराम करो, मैं यहाँ से था। अच्छा हुआ ये तो खौफ था, मैंने गफलत में माँ को छोड़कर जाता तो बहुत गलत होता। आज के बाद मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से माँ को तकलीफ हो। क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं माँ, बुरा खौफ था। चलो फ्रेश हो जा, मैंने तेरे लिए तेरा फेवरेट नाश्ता बनाया। माँ। हाँ बेटा। कल के लिए सॉरी माँ, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है, आज के बाद मैं आपको कभी तकलीफ नहीं दूंगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपका ख्याल रखूंगा, आपके हमेशा साथ रहूंगा। ओके मेरा अच्छा अच्छा बच्चा, चल। तो देखा आपने, यही थी एक माँ और बेटे की कहानी। सनी को एक ख्वाब के ज़रिए माँ की अहमियत क्या होती है समझ आती है, वो पूरी तरह बदल जाता है और माँ के साथ अच्छे से रहने लगता है। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि माँ का मर्तबा कितना बड़ा होता है हमारी लाइफ में, माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता, तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता अगर तकदीर लिखने का हक माँ को होता।